तो आपको याद होगा कि कैसे सत्यवती अपनी अनन्य भक्ति से और मां में अपने अटूट विश्वास से कठिन परिस्थितियों का सामना करती है, कैसे वो मां ब्रह्माणी लक्ष्मी और पार्वती की ली हुई परीक्षाओं का सफलतापूर्वक सामना करती है। सत्यवती की निष्ठा ने संसार को मां की कृपा पाने के लिए 16 शुक्रवारों के व्रत की अमूल्य शक्ति दी। उसी शक्तिशाली व्रत के पालन करने से लाखों करोड़ों भक्तों के दुखों का नाश हुआ। हमारी कहानी भी इसी आस्था, इसी भक्ति और बलिदान की कहानी है, भक्तों की मां में श्रद्धा की कहानी। मां अपने भक्तों को हर कठिनाइयों से जूझने का साहस देती है, उन पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है, उन पर ममता की वर्षा करती है। वो मां है हम सबकी मां, जय संतोषी मां। आइए फिर जगाइए अपना विश्वास। रिचा, पता नहीं इन लोगों को हर बार अर्जेंट असाइनमेंट्स के लिए मैं ही क्यों मिलती हूँ, और वो भी लास्ट मोमेंट पर। प्रीतु को तेज बुखार है प्रीति, और वैसे भी इंडियन गॉडेसेस की ये आखिरी कड़ी है माँ संतोषी, और अगर तुमने ये कवर कर लिया तो हमारा प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और वैसे भी यू आर द बेस्ट। कम ऑन रिचा, तुम्हें पता है ना कि कल मेरा यहाँ होना, आई मीन कोर्ट में होना कितना जरूरी है। आई नो, तुम शाम तक वापस आ जाओगी, बस थोड़ी देर की तो बात है। कम ऑन, गेट रेडी नाउ। कम ऑन अमर, फोन उठाओ। प्रीति मैडम, आप बेकार में गुस्सा हो रही हैं। आज हमारा अंबापुर लिखा है जाना, बस। नारायण, तुम समझते नहीं हो कि मेरा शहर में रहना कितना जरूरी है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैडम, आपके और हमारे चाहने से क्या होगा? आप तो वहीं पर होंगी जहां माँ संतोषी चाहेंगी, और हो सकता है माँ चाहती ना हो कि इस समय आप शहर में हो, आपका इसी में भला हो। अब माँ ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ नारायण, देख रही हूँ मैं कि तुम संतोषी माँ के कितने बड़े भक्त हो। माँ संतोषी, भगवान शिव और माँ पार्वती की पोती, रक्षाबंधन के दिन जब मनसा ने अपने भाई गणेश को राखी बांधी तो श्री गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ अपने पिता से एक छोटी बहन की मांग कर बैठे, वो थी माँ संतोषी। आइए मैडम, ये उमा जी जिनके ऊपर संतोषी माँ की कृपा ने दूर दूर तक धूम मचा दी। प्रीति जी नमस्कार, मैं प्रीति मल्होत्रा पीपीसी से।
नारायण ने आपको इंटरव्यू के लिए तो बताया ही होगा जी. क्या हम इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं? कौशल, आर यू रेडी? रेडी मैम. रोल, क्या ये बात सच है कि आपको शादी के कई साल बाद बच्चा हुआ है? जी बिल्कुल सच है. आपके पति खुद एक डॉक्टर हैं, क्या वो भी इस बात को मानते हैं कि ये बच्चा माँ की कृपा का प्रतीक है? जी हाँ, हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे. ऐसा कौन सा टेस्ट है जो हमने नहीं करवाया? हर तरफ से निराश हो चुके थे हम, लेकिन कोई 3 साल पहले एक ऐसी देवी हमारी जिंदगी में आई जिन्होंने हमें माँ संतोषी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में विस्तार से बताया. और उन्होंने हमें बताया कि कैसे 16 शुक्रवार का व्रत हमारी जिंदगी का रुख बदल सकता है, कैसे बंजर में भी फूल खिल सकता है. और माँ ने मेरे व्रत और पूजा को स्वीकार किया और आशीर्वाद के रूप में ये प्रसाद हमें दिया. देखा आप लोगों ने, किस तरह यहाँ हर इंसान के मन में माँ के लिए श्रद्धा और विश्वास है. विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो इस बच्चे के रूप में माँ ने अपनी कृपा का प्रमाण दिया है. अंबापुर से माँ संतोषी के मंदिर से बीबीसी न्यूज के लिए कैमरामैन कौशल के साथ मैं प्रीति मल्होत्रा. जय हो माँ. जय. चलो नारायण, ये काम भी खत्म हुआ जी. अब तुम जल्दी से गाड़ी ले आओ, हम शहर चलते हैं. मैडम इतनी रात को रास्ते में खतरा है. नारायण अभी वक्त है, हम टाइम पर शहर पहुंच सकते हैं. मैडम मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ. अब आपको गाड़ी चलानी आती है तो ये लीजिए चाबी, मैं सुबह बस से आ जाऊंगा. प्लीज नारायण, तुम ये प्लीज, आज आपका यहाँ से निकलना मुश्किल लगता है. अगर आपको ठीक लगे तो आज रात आप हमारे घर रुक जाइए. नहीं एक्चुअली वो विश्वास रखिए आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी. हाँ मैं तो ओके. आइए. अमर मैं आ जाऊंगी. इनफैक्ट मैं वक्त से पहले ही आ जाऊंगी. तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं. थैंक्स. मैं नहीं जानती कि तुम्हारी परेशानी क्या है, पर इतना जरूर जानती हूं कि तुम्हारी जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा ही होगा. हाँ सब कुछ अच्छा ही होगा. वैसे कल मेरा डिवोर्स होने वाला है. कल मैं और अमर हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे. सुबह होने में अभी कई घंटे हैं, कुछ भी हो सकता है. जब माँ संतोषी के घर आ ही गई हो तो क्या माँ अपनी बेटी को खाली हाथ जाने देंगी? लगता है कि आपको अपनी संतोषी माँ पे बहुत विश्वास है. अपनी नहीं, हमारी. वो हम सबकी माँ है. तुम अपनी अब सब चिंताएं माँ पर छोड़ दो. संतोषी माँ अपने सारे बच्चों की जरूरतें अच्छी तरह से समझती हैं. तुम बस उनमें अपनी आस्था रखो, उनकी कृपा और आशीर्वाद में विश्वास करो, जैसा महिमा ने किया. क्या नहीं हुआ था महिमा के साथ, लेकिन माँ में उसकी आस्था को कोई नहीं डिगा पाया. महिमा? कौन महिमा? महिमा, महिमा वो जो दिखने में फूल सी नाजुक थी, लेकिन उसकी सच्चाई, उसका आत्मबल बड़े से बड़े पर्वत का सिर झुका दे. वो एक आम लड़की ही थी, मेरी तरह तुम्हारी तरह. महिमा, महिमा, महिमा जी. पिताजी. पिताजी चाय.
देखो संतोषी माँ, आज मेरा पेपर है ना, इसलिए मैं लेट नहीं होना चाहती। इसलिए जल्दी जल्दी मैं जो कुछ कहूँ ना उसे प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा। एक्चुअली कहना क्या है, एक रिक्वेस्ट करनी थी। आज का पेपर बिल्कुल मुश्किल मत बनाना प्लीज। इतना आसान हो कि अनुराग भी पास हो जाए। जीती रहो पिताजी। जीती रहो बेटी। चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है? नथिंग। एग्जामिनेशन हॉल है, बिहेव योरसेल्फ। ओके नाउ? यस मैम। क्लास से बाहर निकाल दूंगी। Stop writing everybody. Come on. Fantastic Anurag, क्या timing थी यार? Thank you. मैंने तो सारे questions attempt कर लिए। Paper अच्छा गया ना? सही। Bye. ठीक है, bye. लगता है किसी को मेरी धुन पसंद नहीं आई। लगता है मुझे अपने पिताजी से कहना पड़ेगा कि तुम्हें संगीत की शिक्षा देना बंद कर दे। और तुम्हारे बाबूजी से ये कि तुम्हें कॉलेज भेजकर अपने पैसे बर्बाद ना करें। हाँ माही, संगीत और पढ़ाई चाहे मेरा साथ छोड़ दे, मगर तुम तो मेरे साथ रहोगी ना हमेशा। साथ देने के लिए है ना इतनी तुम्हारी गोपियां। जैसे ही हाथ में गिटार उठाते हो तुम्हारे आसपास मन जाने लगती है। अनुराग हेलो। हाय। थोड़ा तो सीरियस हो जाओ अनुराग, अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? फाइनल ईयर है बाबा, सीरियस हो जाओ। सीरियस अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो अनुराग, कल कम से कम एक नौकरी के लिए तुम्हारे पास डिग्री तो हो। नौकरी और मैं? हेलो, संगीत की दुनिया तुम्हारे अनुराग के लिए आंखें बिछाए खड़ी है और तुम हो कि एक नौकरी की बात कर रही हो। क्या हो गया तुम्हारी सोच को माही? ठीक है, तुम्हारे लिए सोचती हूँ गलत करती हूँ। कल कम से कम तुम ये तो नहीं कह सकोगे कि मैंने तुम्हें टोका नहीं। हाँ मगर ये जरूर कह सकोगे कि मैं तो पहले से जानती थी। माही जब तुम पास होती हो ना तो मैं अपने घर वालों को बिल्कुल भी नहीं मिस करता। मेरी भाभी अभी कुछ ऐसी ही बात करती है। मैंने कहा था ना मैं तो पहले से ही जानती थी। यही होगा, मैं जानती थी दुकान में और नौकरों की जरूरत नहीं है। बाबूजी ये कहना बहुत आसान है, लेकिन घूम फिर करके सारा काम तो इन्हीं पे आ जाता है ना। अब घर में और लोग भी तो हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। अब क्या कहूँ बेटी, इस घर में तो एक ही लाडला है, इन्हें औरों से क्या मतलब? बाबूजी ये किशोरीलाल फिर से दुकान का किराया बढ़ाना चाहता है, कहां से आएगा इतना पैसा? बाबूजी अगर 5-10 हजार होते तो मान भी जाते, लेकिन पूरे 25 हजार है, कैसे होगा? बाबूजी मुझे तो लगता है अब कोई चारा नहीं हमारे पास में सिवाय इसके कि आप अपनी एफडी तोड़वाएं और वो जो शेयर्स हैं उनको बेच दें। जी बाबूजी सही मौका है, शेयर बाजार में रेट भी सही चल रहा है। अच्छा लो बाबूजी, ये तो और भी अच्छा है। ठीक है तुम किशोरलाल से कहो कि मुझसे मिले, देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ तो गई बाबूजी। अरे मैंने बात कर लिया ना किशोरीलाल से, आपका भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? अब आप चिंता क्यों करते हो जी, बेटे सब संभाल लेंगे। वही तो चिंता है। चाचू मुझे गिटार बजाना सिखाओ ना। ओके पर इस लास्ट नहीं वाले के बाद। ओके कम ऑन अपन बात। वेरी गुड, चलो चलो गुड नाइट बोलो जल्दी से सबको। गुड नाइट। कमाल है, इतनी बातें हुई लेकिन मजाल है जो मुंह से एक शब्द भी फूटा हो। कम से कम बाबूजी का लिहाज करके तो बोल देता कि भैया मेरी जमीन बेकार पड़ी है उसे बेच दो और पैसा पैसा दुकान में लगा दो, पर नहीं
अपने पैसों पे तो कुंडली मार कर बैठा है। मैंने कहा जी, लड़कों पर मुसीबत आई है, आप अनुराग से उस जमीन के बारे में बात क्यों नहीं करते? आपको वो ना नहीं कहेगा। मैं तुमसे एक बार नहीं हजार बार कह चुका हूँ शांति, के वो जमीन की आज छोड़ दो, वो हमारी नहीं है। अमानत में खयानत की आदत तुम लोगों की होगी, मुझसे स्कीम में दाएं करो तो अच्छा है। देखा देखा मैंने क्या कहा था, कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी का तो इस घर में बस बस वो पराया ही अपना है। चाचू चाचू एक कहानी सुनाओ ना। किट्टू देखा टाइम क्या हुआ, मुझे लगता है कि तुम्हें जाके सो जाना चाहिए, चलो जाओ। नहीं नहीं प्लीज चाचू, एक कहानी छोटी सी प्लीज। ठीक है छोटी सी। हाँ। एक थी गुड़िया, ओके, उसके लंबे लंबे कान थे, और जब कोई उसके कान खींचता था तो क्या होता था? क्या? बहुत बढ़िया। क्यों भाई, महिमा बता रही है कि आजकल तेरा ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं है। बाबूजी आप महिमा की हर बात मान लेते हो। क्योंकि बेटा महिमा कभी झूठ नहीं बोलती, और तेरे बारे में तो मुझे सब कुछ पता है। बाबूजी आप चिंता बहुत करते हो। बाबूजी मैं पास हो जाऊंगा। और पास होने के बाद अनुराग, उसके बाद क्या करने का इरादा है ये बताएगा अपने बाबूजी को? बेटा बेटा घर में सब लोग तुझे कोसते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबूजी घर में बोलने वाले सब अपने ही तो है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है, तू कुछ अपनी जिम्मेदारी दिखा तो मैं भी कुछ कहने लायक बनूं। कब तक मैं तेरी लड़ाई लड़ता रहूंगा? सोच बेटा, अपने लिए नहीं तो कम से कम महिमा के लिए सोच, जिंदगी इतनी आसान नहीं है बेटा। बाबूजी बाबूजी मेरे अच्छे बाबूजी, आपके लिए आपका ये बेटा, आपका नालायक बेटा कुछ भी करने के लिए तैयार है, ठीक है? और मैं साबित करके रहूंगा कि आपके और मेरे सपने पूरे करने में अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो है मेरा संगीत। संतोषी माता की जय। जय मां। गुरुजी आपका अपने चेले के बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छा गाता है अनुराग, एक दिन वो बहुत बड़ा गायक बनेगा। गौतम जी सो तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, अगर अनुराग और महिमा की जोड़ी। अरे आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। बहुत सुंदर जोड़ी है। हाँ आइए। शांति बुआ, अरे वहां बैठी हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, सारे घर को बधाई हो। अरे बिन्नो कैसी हो तुम? अरे बहुत अच्छे हैं, ऐसा रिश्ता लाए हैं, ऐसा रिश्ता लाए हैं, इस घर के बारे न्यारे हो जाएंगे। हाँ। अरे शोभा तुमने पिछली बार चाय बनवाई थी ना, तो चाय बनवाने में कंजूसी बहुत की थी, इस बार चाय बनवाओ तो शक्कर जरा दबा के डलवाना, ठीक है ना? अरे हम तो कहते नहीं थकते,
कि बहुएं हो तो शांति बुआ की बहुओं जैसी हो, वरना ना हो। अरे बिन्नू, लड़की के बारे में बता, कहाँ की हूर देख कर आ रही है उस निखट्टू के लिए। अरे क्या कहें तुमसे, ऐसा रिश्ता लाए हैं कि एक झटके में सारी कंगाली दूर हो जाएगी। हाँ बड़े मालदार लोग हैं वो, वही मार्केट में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है स्वर्ण प्लाजा, उन्हीं की लड़की का रिश्ता लाए हैं। क्या समझते हैं बिन्नू को? अरे काका यही रख दीजिए। अरे अरे लाओ लाओ लाओ। अरे तुम भी यहीं से ले आओ चाय। अरे मैं ले रही हूँ ना बिन्नू, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, तुम तो खाओ। अरे इस बार शाका सही डाल लिया कि नहीं? हाँ बुआ। शांति बुआ, चाय और समोसे तो तुम्हारे घर के। अरे बिन्नो, अब चटोरापन छोड़। ये बता दहेज कितना देंगे? अब बाकी तो सब तू जानती है ना। आए हाय शांति बुआ, तुम कहो तो सही, नाम दिलवाया तो बिन्नो किस नाम की। अरे 20-25 लाख तो वैसे भी उनके हाथ की मैल है समझो। तो बात आगे बढ़ाओ ना बिन्नो बुआ। किसकी बात कर रही है तू बिन्नो? कंचन की? जी। वही जो 10वीं में 2 बार फेल हो चुकी है और वो तुतला के बोलती है बिचारी, वो तो बड़ी भी है अनुराग से। नहीं बिन्नो, उससे अनुराग की शादी नहीं हो सकती। अरे भाई साहब, माना कि लड़की कम पढ़ी लिखी है, लेकिन आपका बेटा भी कौन सा लाज साहब है, और आपने कौन सी नौकरी करवानी है उससे। और जहाँ तक तुतलाने की बात है शांति बुआ, तो माफ करना, आपकी ये तो बहुएं उसे बोलने देंगी तब ना। बिन्नो, अनुराग की शादी उस घर में नहीं हो सकती। अरे क्या बात कर रहे हैं, इतना दहेज दे रहे हैं, अपने लड़कों की तो सोचो, बेटे हैं तुम्हारे। अनुराग भी इसी घर का बेटा है शांति। माफ करना बिन्नो, अनुराग की शादी उसकी अपनी मर्जी की लड़की से ही होगी। हाँ बाबूजी, उस कवैये के बेटे से अब वहाँ से क्या मिलने वाला है इस घर को? घर में लक्ष्मी आ रही है और आप दरवाजा बंद करने की बातें कर रहे हैं। अरे बिन्नो, तूने इनकी भली कही, इन्हें छोड़ तू तो लड़की वालों के यहाँ जाकर लेन देन की बात कर। और वो क्या दे रहे हैं और हर रस्म पर लड़के वालों को क्या देंगे, ये जाके पता कर। शांति बुआ, तुम तो बेवजह फिक्र करती हो, बिन्नो तो ठूंठ में से तेल निकाल ले, ये तो फिर लड़की वाले हैं। अच्छा ये बताओ, अब रिश्ता कब करवा रही हो? तुम जब कहो तब करवा देते हैं। सोच रहा हूँ कि शादी कर ही लो। बहुत अच्छा सोच लेते हो, लेकिन अनुराग एक प्रॉब्लम है, शादी करने के लिए तुम्हें कम से कम एक लड़की की जरूरत पड़ेगी। अरे प्रॉब्लम वो नहीं है, दिन रात इतने रिश्ते आ रहे हैं कि किसको चुनूं, किसको जाने दूं, प्रॉब्लम तो वो है। अच्छा? कल ही एक मालदार फैमिली का रिश्ता आया है, लड़की के साथ साथ दुकान भी देने के लिए तैयार है वो लोग। सोच रहा हूँ कि अब की बार हाँ कर ही दूं, तुम क्या कहती हो? मैं क्या कह सकती हूँ, तुमने सब कह दिया। तो ठीक है, कल ही बाबूजी और मैं लड़की के घर जाकर रिश्ता पक्का कर ही आते हैं। गुड आइडिया। मैं चलती हूँ। अरे एक बार वो तो कहती जाओ। क्या? कंग्रेचुलेशंस। महिमा के जीवन की जिस पल की तुम्हें प्रतीक्षा थी वो घड़ी आ गई है। सदा प्रसन्न रहो। पूजा? क्या बात है, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है ना? समझ गया, महिमा की चिंता सता रही होगी। जानती हो पूजा, मुझे तो तसल्ली उस दिन होगी जिस दिन अनुराग के परिवार वाले हमारी बेटी को अपना लेंगे। सच पूछो तो हमारे पास उन्हें देने के लिए हमारी बेटी के सिवाय कुछ है भी तो नहीं।
नहीं जी, मुझे कोई चिंता नहीं सता रही। मेरी सारी चिंताएं संतोषी माँ ने दूर कर दी। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अरे अनुराग, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, बैठो। प्रताप जी, आप मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। आप तो अनुराग और महिमा को आशीर्वाद दीजिए बस, बाकी संतोषी माता सब ठीक कर देंगी। गुरु जी, आप लोगों के आशीर्वाद के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हम तो कब से इस घड़ी के इंतजार में थे, लेकिन ये घड़ी इतनी जल्दी और अचानक आ जाएगी ये हमने सोचा भी नहीं था। माँ सब जानती और माँ की आज्ञा के बिना ये बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। प्रताप जी, आज से हमारी बेटी आपकी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाओ बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ, चलो हम लोग बाहर चले। हाँ चलिए, आइए। माही, तुम्हें ये फैसला मंजूर तो है ना? देखो माही, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे दिल में क्या है। देखो माई, मैं चाहता हूं कि तुम सोच समझ कर शादी के लिए हाँ कहो। बदकिस्मती से हालात कुछ ऐसे हैं कि बाबूजी और मुझे ये कदम उठाना पड़ा। हाँ, अगर तुम शादी के लिए अभी राजी नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। इंतजार तो तुम्हें करना पड़ेगा अनुराग, जब तक मेरी शादी का जोड़ा नहीं बनता। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सूर्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः। अच्छा अनुराग का परिवार ही तुम्हारा परिवार है, अपने परिवार की मर्यादा बनाए रखना, सदा खुश रहो। प्रताप जी, आज से महिमा आपकी बेटी हुई, इसका ख्याल रखिएगा, आप फिक्र न करें। नमस्ते। बिन्नो बुआ, मेरे लिए हीरो का हार तो आ जाएगा ना? अरे देखती जाओ क्या क्या आएगा। हाँ, और मेरे कंगन? लो हाथ कंगन को हार से क्या। बिन्नो, मेरे लिए तो सिर्फ कैश दिलवा देना। अरे देखती जाओ स्वर्णा भाभी क्या क्या लाती हैं। शांति, अरे भाई नई दुल्हन आई है, स्वागत करो। तुम लोग आते क्यों नहीं? लो आ गई मालदार बहू तुम्हारी, अब ये भरेंगे तुम्हारा घर। भाई हम तो चलते हैं, स्वर्णा भाभी की लड़की के लिए लड़का खोजना है। अरे बिन्नो, हटो। बिन्नो, रुकिए। किटु बेटी, आज तूने इस घर की लाज रख ली। अरे बाबा किटु, बढ़िया यार तू तो, चल चल अंदर। दादाजी,
आज जो भी तुम्हारे साथ हो उसके लिए वेरी सॉरी अनुराग। मैं जानती हूँ मुझे अपनाने में सबको थोड़ा वक्त लगेगा और मैं इस बात के लिए तैयार भी हूँ। माई तुम जानती हो, तुम तो जानती हो माई, यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार, ये लोग जैसे भी है मेरे अपने हैं। तुम इतना सोचो मत अनुराग, तुम्हारा परिवार मेरा भी तो परिवार है। और देखना हम दोनों अपने प्यार से सबका मन जीत लेंगे, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? अब कौन सी शर्त? कि तुम हमेशा मुझसे ऐसा ही प्यार करोगे। बोलो मंजूर? मंजूर मंजूर मंजूर। सुनो सुनो कहो कहो सुनो सुनो कहो कहो कि तुम पे प्यार आ गया। सुनो सुनो कहो कहो कि बेशुमार आ गया। सुनो सुनो हाँ कहो कहो कि तुम पे प्यार कहो कहो के बेशुमार आ गया। थाम लो रोक लो कि प्यार
ऐसा कर क्या दिया उन्होंने? अनुराग और महिमा बेचारे तो इसी तलाश में रहते हैं कि किस तरह तुम्हें खुश रख सके। मुझे खुश करना इतना मुश्किल भी नहीं, पर आप ऐसा होने दे तब ना। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा उन्हें। अमीरपुर की जमीन, अनुराग से कहो कि वो जमीन श्रीपाल के नाम कर दे। तुम्हें क्या लगता है शांति के जमीन मिल जाने से तुम्हारे बेटों की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी? अगर ऐसा ही होना होता शांति ना, तो गांव की जमीनें और मेरे बाबूजी का घर और तुम्हारे सारे जेवर दुकान को बचाने के लिए काफी थे। ये तुम अपने बेटों की जो इतनी वकालत कर रही हो, तुमने कभी पूछा उनसे कि सारा पैसा जाता कहाँ है और इतना खर्चा किस पर करना है? क्या अब अनुराग की जमीन की जरूरत भी उन्हें पड़ गई है? जमीन की जरूरत कभी ना पड़ती अगर हमारे घर महिमा की जगह कंचन आई होती, और वो लोग तो बड़ी दुकान हमें दहेज में देने के लिए राजी हो गए थे, वो भी मेन मॉल में। लेकिन इससे तुम्हें क्या? अगर अनुराग की जगह तुमने हमारे बेटों के बारे में सोचा होता तो ये नौबत ही क्यों आती? तुम्हारे बेटों की बदनसीबी की वजह अनुराग नहीं है शांति, और ये सच तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना बेहतर है। अनुराग मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उसके पिता से वादा किया था कि मेरे रहते उसके बेटे को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी उसे। अमीरपुर की जमीन सिर्फ अनुराग की है और उसी की रहेगी। आते ही अपनी मनमर्जी शुरू कर दी। तुम क्या समझती हो इस घर में तुम जो चाहो वो कर सकती हो? ओ, चांदी का कलश माँ ने दिया है पूजा के लिए। हाँ भाई, घर वालों के लिए तो पीतल का छल्ला तक नहीं, और अपनी बेटी के लिए चांदी का बर्तन। गरीबी का नाटक तो बस हमारे लिए ही था, है ना माँ जी? हाँ, ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। एक तरफ तो ये अपनी गरीबी का दूसरों के सामने रोना रोते रहते हैं ताकि किसी के लिए कुछ करना ना पड़े, और दूसरी तरफ अपने पैसों की गांठ बांध कर रखते हैं। अरे, देते तो अपनी बेटी को ही देते ना माँ जी, कौन से उनके दिए हुए से हमें जागीर खड़ी कर लेनी है। देखिए बाबूजी, जो इन्होंने जो सामान लिया था उसका हिसाब तो मिल ही नहीं रहा। बाबूजी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, कहो बेटी। वो दरअसल मैं और शोभा दीदी सोच रहे थे कि आज महिमा से रसोई की रस्म करवा ले ताकि वो भी इस घर का चूल्हा चौका संभाले और अपनी गृहस्थी शुरू करे। तुम नहीं जानती बेटी के तुम दोनों बहुओं ने आज मेरे सीने से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। करो बेटा, सब करो, जो जो रस्म है सब कराओ नई बहू से। आओ। महिमा, सामान तो सब यहीं पे है, फिर भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम सब घर में ही है। बता देना। जी दीदी, मैं सब संभालूंगी। अब चले। हे संतोषी माँ, मेरे साथ रहना। हाँ, तुम्हारा घर सदा भरा रहेगा बेटी, दो टुकड़ा रोटी इस गरीब के झोले में डाल दो ना। महिमा, बाहर भिखारी आई है, उसे कुछ खाने के लिए दे दो। जी दीदी, अभी देती हूँ। ला बेटी, ला। सदा सुखी रहो बेटी,
सदा सुहागन रहो। दीदी ये नमक नमक जल्दी डाल। हो गया। ये लो बेटा। क्या बात है भाई, तुम्हारी माँ बेटी आज टेस्ट है तुम्हारा। लाओ दो। ये लीजिए जी। नमक? रुक जाइए बाबूजी प्लीज, ये दाल मत खाइएगा। क्यों महिमा, दाल तो दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है ना माँ जी? बात क्या है महिमा? मुझे लगता है मैं दाल में नमक डालना भूल गई। लो ये अच्छा है। नहीं तो दाल तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है, बरसों बाद मैंने ऐसी दाल चखी है। जीती रहो बेटी जीती रहो। सब कृपा है संतोषी माँ की। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मैंने दाल में नमक डाला ही नहीं। होली बहुत बहुत मुबारक हो। देखो तुम्हारे माँ बाबूजी आए हैं। अनुराग बाबूजी। अरे कहाँ हो भाई, जल्दी आओ। माँ। अरे बुलाया तो माँ। अरे बेटा आ जा आपको। होली मुबारक। प्रणाम गुरु जी। कैसी है पिताजी? अरे बेटी शांति जी नजर नहीं आ रही। अरे यही कहीं होंगे आप, आए तो सही। अरे शांति देखो कौन आया है। बेटा और बहू की पहली होली मुबारक। इस होली में मुबारकबाद जैसी कौन सी बात नजर आ रही है? मेरा त्योहार तो मुबारक उस दिन होगा जिस दिन लोग अपने घर का कूड़ा अपने घर वापस ले जाएंगे। अगर नजरों में जरा सी भी शर्म होती तो अभी के अभी अपनी लड़की को लेकर यहाँ से दफा हो गए होते। चलो पूजा। पिताजी। चलो पूजा। आपने जो किया वो ठीक नहीं किया। क्या आप महिमा और मुझे अपना नहीं समझती? अरे तुम्हारे बाबूजी ऐसा समझने थे तब ना। अगर तुम्हें अपना समझते तो और बेटों की तरह तुम्हें भी घर की जिम्मेदारी सौंपते, तुम्हारे साथ इस घर में आई हुई मुसीबतों का दुख बांटते। पर नहीं, तुम इस घर के हो ही नहीं। उनके लिए तो तुम उनके दोस्त के बेटे हो, हमारे अपने तो तुम हो ही नहीं सकते। बस करो शांति, बस करो। और कितना जहर रोक लोगी? माँ मैं आपका बेटा हूँ, इस घर का बेटा। समझ में नहीं आता कि मैं आपको विश्वास कैसे दिलाऊं। बहुत आसान है अनुराग, वो जो तुम्हारी अमीरपुर वाली जमीन है ना, उसके पेपर पे दस्तखत कर दो, बता दो कि तुम्हें इस घर की बहुत चिंता है, तुम भी इसी घर के बेटे हो। सुखपाल जरा वो जमीन के पेपर लेकर आना। साइन मत करना अनुराग, ये तो सिर्फ एक बेजान जमीन का टुकड़ा है भाऊजी। अगर इसके बदले मुझे मां मिलती है, पूरा परिवार मिलता है तो
हजारों जमीन है घर पर। ये है पेपर और ये रहा पेन। तुम दस्तखत कर दो, बाकी हम भर लेंगे। और बता दो कि तुम भी इसी घर के बेटे हो। उस वक्त तुम पर रंग न फेंकती तो तुम पेपर साइन कर चुके होते ना अनुराग। यही तो चाहता था मैं माही। जरा सोचो अनुराग, कोई तो वजह होगी जो बाबूजी नहीं चाहते कि तुम प्रॉपर्टी भैया के नाम कर दो। तो क्या करता मैं, घर में सब लोग खुश रहे, बस यही तो चाहता हूं मैं। तुम्हारे एक साइन से घर में खुशियां नहीं आने वाली अनुराग। तुम्हें अपने घर की जिम्मेदारियों में अपने बाबूजी और अपने भाइयों का हाथ बटाना होगा। दुकान में क्या प्रॉब्लम्स है, घर कैसे चलता है, ये सब जानना तुम्हारा फर्ज है अनुराग। दुकान पे बैठने लगा तो मेरे संगीत का क्या होगा? तुम्हारा संगीत तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा अनुराग। लेकिन इस वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी घर और दुकान की तरफ ज्यादा जरूरी है। तुम चाहते हो ना कि इस घर में मुझे प्यार मिले, इज्जत मिले, तो फिर ये जान लो अनुराग, जिस औरत का पति घर में कमाई नहीं लाता उसकी पत्नी को उस घर में कभी इज्जत नहीं मिल सकती। ये देखिए, ये जो फ्रिज है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या प्राइस है? प्राइस 14,800 रुपए, ज्यादा नहीं है? बहुत ज्यादा है भैया। एक बात करनी है, बाद में बात करते हैं, देखते हैं। अच्छा चलो, आपके लिए कुछ लाऊं बेटा? भैया मैं जाऊं? अरे मोरे, बड़े भैया यहाँ पे जो खर्चा है उसके हिसाब में। अरे सुखपाल से पूछना। नहीं पर भैया ये देखिए जरा ये। हेलो, हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। भैया छोटे भैया भी दुकान पर नहीं है, अब ये हिसाब किताब कैसे ठीक होगा राम काका? और ये श्रीपाल भैया गए कहाँ? ये हो क्या रहा है यहाँ पर? मैं क्या क्या बोलूं बेटा, धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाओगे। ओहो दीदी संभाल के, पूरा तेल गिरा रही हैं आप। छोटी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? हाँ इसे अभी साफ करवा देते हैं। साफ करवा लेते हैं? पकड़ो। महिमा यहाँ पे तेल गिर गया है, जरा आके साफ कर दो। अभी आई दीदी। महिमा नहाने का पानी गर्म हुआ या नहीं अभी तक? बस हो गया माँ जी। अरे शांति तुम भी नई बहू से काम करा रहे हो, बुद्धि कहाँ गया? अरे बुद्धि पता नहीं कहाँ चला जाता है काम के वक्त। बाबूजी, अरे बुद्धि, बाबूजी, बाबूजी क्या हो रहा है?
उठा। दादाजी। यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ। दादाजी। अरे, आपकी आवाज को क्या हो गया? क्या हो गया आपको? कैसे गिर गए आप? अरे वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसे हालत में भी दूसरों की पड़ी है, चुपचाप बैठे रहो। चाची, चाची आपको क्या हुआ? चाची आपको लगा क्या? चाची। माँ जी, मैंने इस कामचोर से कहा भी था, बाबूजी के आने से पहले ये तह साफ कर दे, पर ये महारानी सुनेगी तब ना। अरे जब से इस मनहूस के कदम इस घर में पड़े हैं, कुछ ना कुछ विपदा आ ही रही है। सुमन जा जाके सुखपाल को फोन लगा, हो सकता है इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। सर पे गहरी चोट लगने की वजह से इनको पैरालिटिक अटैक आया है, जिसका असर सीधा इनके घुटनों पर और जुबान पर पड़ा है। इट इज अ क्लियर केस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मैंने कुछ टैबलेट्स प्रिस्क्राइब कर दिए हैं और कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको बता दूंगा। हाँ, जी। भैया यहाँ तो कुछ भी नहीं है, है? क्या बकवास कर रहा है? कल इसमें लाख रुपए से ज्यादा थे, कहाँ गए? भैया पैसे जब आपने नहीं लिए और मैंने भी नहीं लिए तो पैसे गए कहाँ? बोल, तिजोरी के पैसे कहाँ लुटा के आया तू? क्या क्या बात कर रहा है आप? दुकान का मालिक बना फिरता है तू? हाँ तो बताओ मालिक साहब, ये तिजोरी का पैसा कहाँ खाली करके आया है? भैया अरे अनुराग बेटा सच कह रहे हैं, इनका विश्वास कीजिए। चुप रहो तुम। भैया प्लीज, भैया मैंने चोरी नहीं की और ये सब बाबूजी के सामने प्लीज नहीं। बाबूजी का तू बड़ा भक्त बनता है, चल अब तेरी बाकी की भक्ति उन्हीं के सामने जाके पूरी करते हैं। चल भैया, चल भैया प्लीज, चल 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 चल। और यहाँ पता बाबूजी के सामने पता कि तिजोरी में बंद हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई कहाँ लुटा दी तूने? बोल। सारी तिजोरी खाली कर दी, इसलिए जल्दी थी तुझे और तेरी बीवी को काम पे आने की, अपने ही घर में चोरी। बाबूजी, बाबूजी मैंने कोई चोरी नहीं की है। बाबूजी आप मेरा विश्वास कीजिए प्लीज। अबे उठ, समझा, सीधा खड़ा रहे। क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी से बात कर रहा हूं मैं। आप शांत रहिए, इस पेशेंट के लिए तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी असल औकात तो दिखाई दी ना। गलती तो हमारी थी ना, हम ही तो कहते रहते थे काम नहीं करता काम नहीं करता। अब देख लिया ना क्या काम कराया आपका ये लाडला। अब चुप क्यों हो गई ना तसल्ली इतना भारी नुकसान करवा के? मैंने अब तक कोई नुकसान नहीं किया है, रोज दुकान जाता हूँ, रोज अकाउंट चेक करता हूँ, किसी से कुछ पूछना चाहता हूँ तो दुकान पे कोई होता नहीं है, ऐसे में दुकान चले तो कैसे चले बाबूजी? नुकसान तो होना ही होना है। लो ये अच्छा है, अबे हमें बिजनेस लाने के लिए बाहर लोगों से मिलने जुलने जाना पड़ता है। देखा बाबूजी आपने, अब ये कल का छोकरा हमको सिखा रहा है कि दुकान कैसे चलाई जाती है। साला चोर। मैं आपको क्या सिखाऊंगा भैया, दुकान के मालिक तो आप हैं, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि दुकान में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, क्यों जा रहा है। और बाबूजी मैं इतना तो समझ ही चुका हूँ कि दुकान अगर घाटे में जा रही तो क्यों। अबे बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। लौटा दूंगा सारे पैसे, लौटा दूंगा। मैंने चोरी नहीं की है माई, पर फिर भी दुकान के सारे पैसे लौटा दूंगा मैं। दिन रात मेहनत करूंगा ताकि दोबारा तुमसे ये कभी कोई ना कह सके कि तुम्हारा अनुराग चोर है। मैं अपने अनुराग को जानती हूं, देख लेना एक दिन यही लोग मान जाएंगे कि वो गलत थे और तुम सही। मगर ये हासिल करने के लिए हम दोनों को मजबूत होना पड़ेगा अनुराग। अनुराग तुम शहर चले जाओ, शायद हमारा कल वहीं से शुरू हो। तो ठीक है, सुबह होते ही हम दोनों यहां से चले जाते हैं। हम दोनों नहीं अनुराग, सिर्फ तुम शहर जाओगे
अकेले। हरगिज नहीं भाई, मैं तुम्हें यहां छोड़कर नहीं जा सकता, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। मुझे यहीं रहना होगा, इसी घर में अनुराग। बात अब पैसों की नहीं रही अनुराग, बात आ पहुंची है सम्मान पे, अनुराग और महिमा के सम्मान पे। और इस संघर्ष से जूझने के लिए तुम्हारी माँ ही तैयार है। तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं और तुम अब एक हैं, और दो शहरों की दूरी हमें कभी जुदा नहीं कर पाएगी, मुझे तो नहीं लगता। भैया मैं सोच रहा हूँ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करें। अरे ट्रांसपोर्ट में आजकल कुछ नहीं रखा, पेट्रोल पंप खोलते हैं। पेट्रोल में बहुत पैसा आजकल। क्या भैया आप भी बस। चलो चल के देखते हैं क्या नया ड्रामा हो रहा है अब। बाबूजी, मैं शहर जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस मकसद से जा रहा हूं उसमें कामयाबी मिले। प्लीज बाबूजी। बच्चा किट्टो चल। अरे अब ये नया नाटक क्या है, है? नाटक नहीं भैया, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा हूं। अपने पैरों पे खड़े होते होते जब मुंह के बल गिरोगे ना तो रोते पीटते यहीं वापस आओगे, है ना? बहुत अच्छे देवर जी, बहुत अच्छे। हमारे आदमियों की मेहनत की कमाई हजम करके हमें कर्ज के कीचड़ में ढकेल के अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चल पड़े। अरे वाह, ये भी खूब रही। अरे किट्टू की मम्मी, तुमने वो कहावत में सुनी क्या, जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले उसमें से चूहे निकल के भागते हैं। कहीं भाग नहीं रहा हूं मैं, जैसे ही पैसों का इंतजाम होता है वापस आऊंगा मैं। अरे तो क्या ये ग्रहण इस घर पे लगा ही रहेगा, इसे भी अपने साथ ले जा ताकि जान छूटे हमारी। बहुत जल्द महिमा को यहां से लेके जाऊंगा मैं। अनुराग, इसे हमेशा अपने पास रखना। संतुष्टि माँ तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगी।
करना संतुष्टा, मेरे अनुराग की रक्षा। हाँ हेलो, अरे आ रहा हूँ यार, एक मिनट यार, आ रहा हूँ। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। काम करो अपना, समझे? अच्छा, जुए में और कितने पैसे बर्बाद करेगा? जा, जाके कहीं भी मर, तो जैसे नमक हराम की इस घर में कोई जगह नहीं है। मुझसे अपराध क्या हुआ है? अरे अगर अपने मालिकों की ही चुगली करोगे तो कौन रखेगा ऐसे नौकर को? मैंने किसी की चुगली नहीं की, मैंने तो जो सच था वही बताया माँ जी को। क्या कहा, क्या कहा तूने? अरे आग लगे तेरे सच को, आग। बहुत हो गया सुमन, हाँ धक्के दे के बाहर निकाल इस नमक हराम को। ऐसा मत कीजिए माँ जी। क्या हुआ दीदी? रामू काका, क्या बात है? मैं बताती हूँ महारानी, मैं बताती हूँ। ये नमक हराम मालिकों की चुगली करता है, घर वालों को उन्हीं के खिलाफ भड़काता है, इसीलिए हम इसे नौकरी से निकाल रहे हैं। और वैसे भी कुछ लोगों की वजह से अब इस घर पे जो कंगाली छा गई है ना, उसके बाद हम नौकरों का बोझ अब और नहीं ढो सकते। सुन लिया ना तुमने? भिखारियों का पेट भरने का ठेका हमने नहीं लिया है, समझ गई? अरे बुद्धि, बाप की मदद कर। चलो बेटा। ओ महारानी, चल अंदर, चलकर रसोई संभाल, रिश्तेदार गए तेरे। चल छोटी। मेरे अकाउंट में लिख लेना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वड़ा पाव दे सकता हूँ, इसको खा लो फिर चाय पीते हैं। भाई साहब, मैं आपको जानता तक नहीं, फिर आप ही मुझे। नहीं नहीं, बस अपना दोस्त समझ ले यार। नाम बाबी दयाल, हीरो बनने आया था, और तुम? मैं अनुराग। हाय हाय, दूध गिरा दिया। जानती है दूध का गिरना कितना बड़ा अपशगुन होता है? भगवान जाने मेरे घर से ये अपशगुनी कब निकलेगी। तीन, माँ इन्हें माफ कर देना। दीदी आज तो माँ की याद आ गई। कैसे भी कर सिंघानिया, इस एक्सीडेंट की बात पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और हाँ, पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करना। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। जो हुआ उसे भूल जाइए, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। वैसे भी आप लोग इतना खर्चा कर चुके हैं। नहीं नहीं, थैंक गॉड आपकी जान बच गई, नहीं तो मैं। एनीवेज, मैं आपके लिए और कुछ कर सकती हूँ? जी। क्या? ट्रैफिक रूल्स के बारे में और ज्यादा पढ़ के आइएगा।
अरे जल्दी ला। ये दर्द। ओ माँ। अरे ओ भक्तन, जा जाकर मेरे लिए भी चाय ले आ। जी। दीदी, आपका दर्द कैसा है? अरे क्या बताऊँ? समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है। डॉक्टरों को भी कुछ पता नहीं चल रहा है। बस ये दवाइयों पे दवाइयाँ दिए जा रहे हैं और अपनी जेबें भरते जा रहे हैं। दीदी, ससुर जी कैसे हैं? पता नहीं। रख दे, रख दे। दीदी, ये कुछ ससुर जी की दवाइयाँ हैं। आप भैया से कह के मंगवा दीजिएगा। दवाइयाँ अपने पति से नहीं कह सकती थी। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ। मुझे तुझे देख तो लेने थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? तेरा हाथ कैसे जल गया? बताना। तेरे बाबूजी का डर सही था, मैंने इज्जत कर दी। नहीं माँ, हो सकता है संतोषी माँ मेरी परीक्षा ले रही हो। आप अपने आंसुओं से मुझे कमजोर मत बनाइए माँ, प्लीज। बड़ी हिम्मत वाली है मेरी बच्ची। तू एक काम कर, तू है ना 16 शुक्रवार का संतोषी माँ का व्रत रख, फिर देखना तेरे और अनुराग के सारे दुख दूर हो जाएंगे। संतोषी माँ सब ठीक करेगी। सच माँ? हाँ बेटा। तब तो ये व्रत में जरूर रखूंगी माँ, जरूर रखूंगी। खुश रहो। अच्छा माँ, मुझे जाना होगा, बाबूजी को दवाई देनी है। चलती हो, अपना ख्याल रखना। से मैं 16 शुक्रवार का व्रत रख रही हूँ। मेरा ये व्रत सफल बनाना और परदेश में मेरे अनुराग की सहायता करना माँ। ओ महारानी, व्रत तूने रखा है, हमने नहीं। लड़कों के दुकान पे जाने का टाइम हो गया, जल्दी से नाश्ता बना। जी माँ जी, नाश्ता तैयार है, बस मैं अभी लाई। माँ, इसे आप रख लीजिए, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे जरूर फोन कीजिएगा। प्लीज, नहीं प्लीज रख लीजिए। डॉक्टर ने बोला है कल तुझे इधर से छुट्टी मिल जाएगी। बेटा, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते हमारे साथ ही रहोगे। प्लीज, अब आप मना नहीं करेंगे? चांद पे जाने वाले पहले मानव का नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रांग। नहीं चाची, ब्लू। बाजू मजबूत। क्या? ब्लू? एग्जाम में ये मत लिख देना, नहीं तो अंडा मिलेगा, है ना चाची? जी। ये लो किट्टू, अपनी चाची से कह दे खाना तैयार रखे, तेरे पापा अभी आते ही होंगे। चलो चलो जल्दी खत्म करो, हम चलते। नमस्ते सर। प्लीज कम। आओ बेटे आओ, इसे अपना ही घर समझो, आओ प्लीज। संभल के आओ बेटे। okay. मुझे बहुत खुशी है कि तुमने हमें अपना समझा और यहां चले आए। ऐसे घर में रहने को कोई ना बोलेगा क्या?
आओ बेटे आओ, प्लीज कम इनसाइड। समझ में नहीं आता कि आपका यह एहसान। कोई बात नहीं बेटे, एहसान की क्या बात है। मेरी फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर की पोजीशन खाली है, तुम करोगे वो जॉब? सोच के बताना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। माँ जी, हेलो माही, कैसी हो? माही अनुराग, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। माही, एक बहुत अच्छी खबर है। मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी ऑफर हुई है, और जिन लोगों के साथ मैं रह रहा हूं बहुत अच्छे लोग हैं। बस कुछ ही दिनों की बात है भाई। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। भाई, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुम चुप क्यों हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं भी तुम्हें बहुत ही माँ। अरे ओ भक्तन, ओहो किससे बातें हो रही थी? हुँ? दीदी, आपने किसी आशिक से? नहीं दीदी, वो हाँ रहने दे, हमें उससे क्या। हम तो बस इतना बताने आई थी कि कल घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं खाने के लिए, यही कुछ 50 के आसपास। खाना बिल्कुल बढ़िया बनना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नाक कट जाए, समझी? याद रखियो। चल छोटी। जी आप कौन? लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। सुमन दीदी यही रहती है? हाँ सुमन। अरे रंजीत, तू तो शाम को आने वाला था। अरे दीदी, जिंदगी में कब कौन आ जाए, कहाँ से आ जाए और किससे टकरा जाए, ये तो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। हा? वैसे शादी की सालगिरह मुबारक हो दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? हुँ? दिखता नहीं मेरा भाई आया है? जाके इसके लिए कमरा तैयार कर। जी दीदी। वैसे एक बात बताऊं दीदी, आपने नौकरानी बहुत कमाल की रखी है। सुनिए, कुछ चाहिए था आपको? आप देंगी वो? दरअसल इन पकौड़ों को लहसुन की चटनी मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। ये लीजिए। थैंक यू। लो अम्मा, संतोषी माँ का प्रसाद। जीते रहो। लो आप भी लो। लाइए। लो बहन, संतोषी माँ का प्रसाद। बहुत अच्छा, संतोषी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। कोई काम दे दो बेटी, दो पैसे कमा लूंगी तो बच्चे कम से कम भूखे तो नहीं सोएंगे ना। काम तो है मगर। कोई परेशानी है? नहीं माँ जी, ठीक है आप आइए। Thank you.
लाइए इधर दीजिए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। सब कुछ ठीक है? आइए खाना खाइए। अच्छा? बाकी सब ठीक चल रहा है? भाभी आप बैठिए, मैं देख लूंगा। ये लीजिए। तुम क्या खाओगी? तुम्हारे लिए तो कुछ खाना ही नहीं बचा है। नहीं, आज वैसे भी मेरा माँ संतोषी का व्रत है, आप ले लीजिए। अरे हाँ, याद आया, एक भली औरत ने आज मुझे ये प्रसाद दिया था, लो संतोषी माँ का प्रसाद। धन्यवाद। बिल्कुल मेरी माँ के हाथ का बना प्रसाद लग रहा है। अगले शुक्रवार मेरा 16वां व्रत है, प्रार्थना कीजिए माँ जी कि मेरा उद्यापन सफल हो। तुम्हारी प्रार्थना माँ ने सुन ली। जुग जुग जियो बेटी, फलो फूलो सदा सुहागन रहो। अरे बॉबी छोड़ दे, एक दिन में सीखने की चीज नहीं है। तो तू ही सिखा देना यार। आज नहीं यार। बॉबी, तुम्हारे दोस्त का मूड इतना ऑफ क्यों है? ऑफ तो होगा ही, बेचारा करने कुछ और आया था और करना कुछ और पड़ रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि अपना दोस्त अनुराग यहाँ सिंगर बनने आया था और आप इसे सुपरवाइजर बनाना चाहती हैं। क्या बॉबी सच कह रहा है, तुम सिंगर बनना चाहते हो अनुराग? बॉबी की यही प्रॉब्लम है, ये कभी चुप नहीं रह सकता। हेलो। हाय नेहा, कैसी है? मैं ठीक हूँ यार। एक्चुअली तुमसे अपने एक दोस्त के बारे में बात करना चाहती थी। उसका नाम अनुराग है और वो बहुत ही अच्छा गाता है। अच्छा, तो क्लासिकल में भी ट्रेनिंग ली है उसने? हाँ हाँ, क्लासिकल में जरूर सीखा होगा। ट्रस्ट मी यार शालिनी, वो बहुत ही अच्छा सिंगर है एंड ही इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज म्यूजिक। कोई तो बात होगी ना यार। ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू एक काम कर, मैं तुझे एक कार्ड भेजती हूँ। मिस्टर खंडेलवाल परसेप्ट म्यूजिक के सीईओ हैं, अनुराग से कहो कि उनसे जाकर मिले और कहे कि मैंने भेजा है। मैं बात कर लेती हूँ इतनी देर में। हेलो जी सर। ओके सर। या जी सर, मैं मिस्टर खंडेलवाल से मिलना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम अनुराग है, शालिनी जी ने ये कार्ड दिया है। ओके सर, जस्ट अ मोमेंट। हेलो सर, आपसे मिस्टर अनुराग मिलने आए हैं। ओके सर, प्लीज आप बैठ जाइए। हेलो, यस सर। जी सर। मैम, और कितना वक्त लगेगा? भाई साहब, आपको कहा तो आज नहीं मिल सकते, कल आना, बिजी है। अरे कल आ जाना। चल बॉबी। हाँ तो फाइल का क्या हुआ? महिमा, जाने कहाँ चले गए? हाय राम, कहाँ ढूंढू अब? महिमा जी, क्या हुआ दीदी? कपट में से मेरे सोने के कंगन गायब है, कहाँ छुपाए तूने? कंगन? मुझे नहीं पता दीदी। अच्छा, तो फिर किसे पता होगा? अब तो कोई नौकर भी नहीं है इस घर में, और इस कमरे में मेरे अलावा और कौन आता है? सिर्फ तुम, है ना दीदी? प्लीज अब एक बार और देख लीजिए, यही होंगे। अच्छा, मेरे साथ नाटक करती है? हाँ, सीधे से बता कि मेरे कंगन का है, या फिर खाने जाकर बताएगी कोड़े खाके कि मेरे कंगन का है। बता बता, झूठी कही थी दीदी? मेरे सच में नहीं ले, मेरा विश्वास कीजिए। फिर दीदी, अरे भगवान, ये रोज रोज के झगड़ों से कब छुड़ाएगा? अब क्या कर दिया चुड़ैल ने? चोरी माँ जी, चोरी। नहीं, मेरे सोने के कंगन जो मेरी माँ ने मेरी गोद भराई पे दिए थे, उस पर इस चोरी ने अपना हाथ साफ कर दिया। अरे डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, और तू बेशर्म अपने ही घर में? संतोषी माँ की स्वागत माँ जी, मैं इन कंगनों के बारे में कुछ नहीं जानती। अरे शोभा दीदी, जब महिमा जी बेचारी माँ की सौगंध खा रही है तो सच ही कह रही होंगी, मान भी जाइए।
माफ कर दीजिए ना बेचारी को। अरे भैया आप नहीं जानते, पहले तो घर वाला भाग गया हमें कंगाल करके, और अब जो कुछ बचा कुचा है उस पर ये ढाका डालना चाहती है ना? अरे दीदी, ये चोरनी ऐसे नहीं मानने वाली। आप मेरे साथ चलिए, हम इसके कमरे की तलाशी लेते हैं। रंजीत चल, रंजीत चल। देख देख देख, जल्दी देख। संतोषी माँ, तुम तो जानते हो कंगन किसके पास है, कहाँ है। अगर इस अपमान में भी तुम मेरी परीक्षा ले रही हो तो मुझे इसे सहने की भी शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए संतोषी माँ। गोरी है कलाइयाँ, बुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। आहा, लो ये अच्छा है। अरे अपना बना ले मुझे जाल माँ, गोरी है कलाइयाँ। दीवान पर बैठे, दीवान पर बैठे, दीवान पर बैठे, पर बैठे ठो। बेटा संतराम। हाँ जी। आंख बंद करके अपना रिक्शा पीछे वाली गली में ले चलो। जी। बाय टीचर। बाय। नमस्ते। नमस्ते। ये लीजिए आपकी फीस। धन्यवाद। संतराम चल। जी अच्छा। पता ये पैसे कहां से आए? अरे अगर तुझे पैसों की इतनी जरूरत थी तो हमें बता सकती थी। अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा हो तो मुझे पता ही नहीं चलता था। बोल बोल सबको कि ये पैसे आए कहां से। नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखा माँ जी, इतनी चीज की कमी रह गई थी। अरे बहना, श्रीपाल भैया को गलतफहमी भी तो हो सकती है ना? नहीं वैसे श्रीपाल भैया को बात की तहत तक जाए बगैर महिमा जी पे ऐसे इल्जाम लगाना नहीं चाहिए। ए रंजीत चुप रहो तुम, ये हमारे घर का मामला, इसको हम ही निपटाएंगे। हे भगवान, जाने कहां का कूड़ा हमारे भाग्य में लिखा है। माँ जी मेरा विश्वास कीजिए, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये ट्यूशन के पैसे मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अब बाबू जी से पूछ लीजिए प्लीज। बाबू जी क्या बाजार जाएंगे ये पूछने की उनकी लाडली बहू पढ़ाती है या किसी के साथ मुंह काला करती है। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अगर आज के बाद ये लड़की घर से बाहर निकली तो मैं तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगा, समझी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सब ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आज के बाद तेरा ट्यूशन बंद, घर से निकलना भी बंद, सब बंद। अनुराग, अनुराग आ जाओ, अनुराग वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी और बर्दाश्त नहीं होता अनुराग, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
बेचारी मेरी माँ इतने चाव से मेरे लिए 5 तोले के कंगन बनाए थे, पर देखो तो कंगन चुराने के बाद भी इस मुंह जली को चैन नहीं आया। कंगन? कौन से कंगन? अरे वही जो तेरे पापा को बहुत पसंद थे, नाक के नीचे से उड़ा ले गई बेशर्म कही की। वो वाले कंगन तो पापा ने आपके अलमारी से निकाले थे। क्या हाँ। बकवास कर रही है? जब आप सुबह चाची के साथ बाजार गई थी उस दिन पापा ने आपकी अलमारी खोली और कंगन निकाले और बाहर चले गए। पापा आपको लग रहा था कि मैं सो रही थी लेकिन मैं जाग रही थी। हाँ मैंने लिए थे, लिए थे मैंने तो है क्या। अरे बीबी मेरी है, घर मेरा है और अपने ही घर में अपनी चीज लेने के लिए मुझे दूसरों से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? और उस दिन कोई घर में था नहीं तो मैं किसे पूछता? दिमाग खराब करके रख दिया। मैं आपके लिए पानी लाती हूं शांति। आप बोल सकते हैं लेकिन ये सब कैसे? ये किसी की प्रार्थना और मेहनत का फल है शांति। उसकी प्रार्थना का फल जिसके लिए प्रार्थना करने वाला इस घर में कोई नहीं। अब रोने से क्या फायदा शांति? महिमा को तुम समझी नहीं, हमेशा उसे कोसती रही, सताती रही। और वो ना होती शांति तो मैं कब का मर खप गया होता शांति। आप तो ऐसे मत कहिए, आपको मेरी उम्र लग जाए। जिस घर में रोज कलह होता हो उस घर में लंबी उम्र जीने का क्या फायदा है शांति? तुम्हें तो पता भी नहीं है बेचारी महिमा इस घर का सारा काम निपटाती थी, फिर सुधा की बेटी को पढ़ाने जाती थी ताकि मेरे लिए दवाइयां आ सके। हमारे बेटों बहुओं ने कभी पूछा तुमसे कि बाबूजी के लिए तुम्हें कुछ चाहिए? कभी उन्होंने इलाज के लिए एक भी पैसा दिया? शांति तुम सब जानती हो पर स्वीकार। बाबूजी आप बोल रहे हैं? बाबूजी संतोषी माता ने तेरी सुन ली। संतोषी माता तुझे शत शत प्रणाम। जीते रहो बेटी, जीती रहो। अनुराग सब ठीक तो है? तुम खंडेलवाल से मिले? वही तो कोशिश कर रहा हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि रोज उनके दफ्तर जाता हूं, रोज इंतजार करता हूं कि कब वो मुझे अंदर बुलाएंगे उनसे मिलने के लिए, पर उनके पास मेरे लिए 5 मिनट का भी वक्त नहीं है। What? How can you do that? हेलो शालिनी, व्हाट इज दिस यार? तुम्हारा ये खंडेलवाल अभी तक अनुराग से मिला ही नहीं, सिर्फ अपने ऑफिस के चक्कर कटवा रहा है। हेलो अंकल। ओह हेलो शालिनी,
बैठो बैठो। थैंक यू। हाँ अंकल, ये मेरी फ्रेंड नेहा है, आपसे कुछ बात करना चाहती है। जी कहिए। मिस्टर खंडेलवाल, मेरा एक दोस्त है अनुराग। बहुत टैलेंटेड है। well? पिछले कई दिनों से आपके ऑफिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक आपसे मिल भी नहीं पाया। क्या इसी तरह आप नए टैलेंट्स को इनकरेज करते हैं? What? मुझे तो पता भी नहीं। अंकल, आई डिड लीव अ मैसेज फॉर यू, शायद आपको मिला नहीं। क्वाइट पॉसिबल। यू नो, रोज यहाँ हजारों उम्मीदवार आते हैं, अब हर एक से पर्सनली मिलना तो मुमकिन नहीं है ना। नो अब आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं तो भाई जल्दी ऑडिशन रख लेते हैं। आर यू हैप्पी नाउ? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। अनुराग, खूबसूरत है ना? हाँ, बहुत। सिर्फ खूबसूरत नहीं, बहुत अच्छी भी है। मेरी महिमा, मेरी प्रेरणा, मेरी बीवी, बता तुमको। बाबूजी, जीती रहो। माँ जी, जीती रहो बेटी, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। आओ मेरे पास बैठो। माँ जी, दो दिन में मेरा 16वां व्रत है, आशीर्वाद दीजिए कि उस दिन मेरा उद्यापन सफल हो। बेटी, जिस माँ में तुम्हारी इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास है, वो माँ तुम्हारा उद्यापन जरूर सफल करेंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बड़ी छन रही है सास बहू में आजकल। बुढ़ा बुढ़ी सठिया गए हैं पूरी तरह से। अरे यो कामचोर, देखिए यहाँ कितना गंदा पड़ा है, चल आके सफाई कर। जी। रुको, शोभा, तेरे पास तेरी देवरानी खड़ी है और झाड़ू भी ठीक तुम्हारे पीछे है, सफाई करवा लो। मैं? इधर उधर उधर इधर, ये दिल मचल मचल रहा, न जाग है न
सोए हैं ये करवटे बदल रहा इधर उधर उधर इधर ये दिल मचल मचल रहा न जाग है न सोए है ये करवटे बदल रहा ये लो तुम्हारी रिकॉर्डिंग पक्की ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच सर गॉड ब्लेस यू कंग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच यू आर वेलकम क्या कर रहे दरवाजा क्यों बंद कर दिया मेरी किस्मत का दरवाजा जो खुल रहा है इस घड़ी का पता है कब से इंतजार था चाहती कहां है महिमा शिकार की आंख में जब मुझे खौफ नजर आता है ना तो बहुत पास आता है पास आ जा मेरे भाई पास आ पास आ जाओ पास आ जाओ प्लीज प्लीज बाबूजी कोई तुम्हारी चीख नहीं सुनेगा चीखो मत भाईमा सारा घर तुम्हारे उद्यापन की तैयारी में लगा है देखो मुझे मजबूर मत करो भाईमा प्लीज संतोषी माँ माँ मदद करो मेरी मदद करो बच नहीं सकती महिमा मदद करो संतोषी माँ मेरी मदद करो संतोषी माँ बच नहीं सकती तू संतोषी माँ संतोषी माँ संतोषी माँ नहीं बेटी नहीं बेटी रोते नहीं चुप हो जाओ चुप हो जाओ सुमन अपने उस नालायक भाई से कहो अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाए मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए अरे माँ जी मेरे भाई को कोसने से पहले एक बार इस बचलन से ये तो पूछ लीजिए कि आखिर वो कमरे में गई क्यों थी नहीं। क्या आप उसका चरित्र भूल गई नहीं। जरूर इसी ने बुलाया होगा मेरे भाई को माँ जी ये तो है ही बच्चलन यहाँ वहाँ मुंह मारती फिरती है भाभी अनुराग 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 ये क्या हाल बना दिया तुमने अपना क्यों क्या हाल बना दिया तुम लोगों ने मेरे भाई का ये माही क्या कर रहे हो तुम हाँ क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या गुल छर रहे और आ रही थी ये पराए मर्दों के साथ सुमन बकवास बंद करो बेटा
बाबूजी कैसे हो बाबूजी? बाबूजी ये सब कैसे हो गया? अनुराग अपनी माइफ को लेकर निकल जा बेटा इस नरक से। चलो माही मैं तुम्हें अब यहां एक पल रुकने नहीं दूंगा। मैं नहीं जा सकती अनुराग, जब तक मेरा उद्यापन नहीं पूरा हो जाता मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा उद्यापन तो मैं अभी के अभी पूरा किए देती हूं महिमा। उद्यापन हो गया। बाबूजी, बाबूजी, दुकान में आग लग गई है बाबूजी। क्या? संतोषी माँ, मेरे परिवार की रक्षा करना। भैया किधर है? वो आग में फंसे हुए हैं। तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। छोटे, इस आग में हमारी दुकान ही नहीं, हमारा घमंड, हमारी नफरत सब कुछ चलकर भस्म हो गए। देखा अनुराग, मां ने हमें हमारे पापों की सजा दे दी, तुम हमें माफ कर दो अनुराग। अनुराग, महिमा, जिस नफरत की आग में हम लोग सारी जिंदगी चलते रहे उसी आग ने तुम दोनों को सोना बना दिया। अरे हमें तो जितनी सजा मिले उतनी कम है। नहीं भाई, ऐसा नहीं कहते। मैं जानता था कि एक ना एक दिन माँ हम पर जरूर कृपा करेंगी। बाबूजी देखिए ना, मुझे मेरे दोनों भाई मिल गए आज। महिमा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हम तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहे। नहीं दीदी, आप तो बड़ी हैं दीदी, ऐसा मत कहिए दीदी। नहीं महिमा, बड़ी तो तुम हो, तुम्हारे सामने हम सभी लोग बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। हमें माफ कर दो महिमा। नहीं दीदी, दीदी नहीं। चिंता की कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो आज ही इन्हें घर ले जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। महिमा बेटी, मां का उद्यापन अब हम सब लोग मिलके करेंगे। हाँ महिमा, अब हम सब लोग मिलकर संतोषी मां का उद्यापन पूरा करेंगे।
अकेला था मैं, तूने चमत्कार क्या कर दिया, क्या कर दिया, मुझको दिया तूने जीवन नया। माँ संतोषी, माँ जय माँ, माँ संतोषी। राहें जैसे भूल भुलैया, घर तक तू ले आई। मैया तूने जानी कैसा खेल रचाया, छूटा मेरा दुख से नाता सुख पाया। करुणा तुम ममता की मूरत है माँ, माँ संतोषी, माँ जय माँ, तेरी शरण से है मैया जैसे सावन बादल, सुख ऐसे बरसेगा। तेरी पूजा में कोई विघ्न न आए, खुशियों में तेरी मुझे याद आए। चरणों में अपने तो रखना सदा, माँ संतोषी, माँ जय माँ, तेरी शरण खुशियों से आंचल मेरा भर दिया जो मांगो उससे ज्यादा दिया। माँ संतोषी, माँ जय माँ, तेरी शरण रहूं सदा।
देखो। स्वार्थ, लोभ और ईर्ष्या मानव के दुखों का मूल है। स्मरण रहे कि पूरे विश्व में संतोष से बड़ा और कोई धन नहीं। यदि ऐश्वर्य और सुख की कामना करना तुम्हारा अधिकार है तो उसे पाने के लिए परिश्रम करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ध्यान रहे, तुम्हारा सुख दूसरों के सुख में निहित है। सदा प्रसन्न रहो, फलो फूलो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस तरह महिमा की भक्ति और मां में उसके अटूट विश्वास ने एक बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। उस पर चाहे कितनी भी मुसीबतें आईं, पर मां में उसके अटूट विश्वास को कोई भी नहीं हिला पाया। अच्छा, तो इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। चाहती तो यही थी कि तुम कुछ दिन और रुक जाते। फिर आऊंगी, बिल्कुल मेरे कुणाल के जैसे। गॉड ब्लेस यू। बेटा बाय करो आंटी को। प्रीति। हाँ इसे हमेशा अपने पास रखना, माँ संतोषी तुम्हारी रक्षा करेंगी। थैंक यू। मैडम, आप जज साहब से रिक्वेस्ट कर सकती हैं। क्या आपका ये फैसला पक्का है? जी, मेरा फैसला बिल्कुल पक्का है। मम्मी! कुणाल! मम्मी! मम्मी, आप मुझे छोड़कर कहाँ गई थी? नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ ही रहूंगा। प्रीति, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, सताया। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने डिवोर्स केस वापस ले लिया है। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा घर चले। सच? इसे हमेशा अपने पास रखना, मां संतोषी तुम्हारी रक्षा करेंगी। क्या सोच रही है प्रीति? नहीं, कुछ नहीं। तो चले। चलो। ए कुणाल। यस पापा।